27 के संकल्प की सिद्धि की प्रस्तावना लिखने बैठे थे भगवा पार्टी के तमाम बड़े नेता सबसे बड़े सूबे में। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में यूपी में हुए अप्रत्याशित पराजय के बाद हुई इस महाजुटान में मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, मोदी के मंत्री थे, पार्टी अध्यक्ष थे, महामंत्री थे और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ पार्टी के करीब 3000 कार्यकर्ता थे। नाखून में लगी चुनावी स्याही के मिटने से पहले की इस सबसे बड़ी बैठक में 3 बरस बाद फिर से यूपी की सत्ता में सशक्त वापसी की प्रतिज्ञा दोहराई गई। योगी आदित्यनाथ ने 27 की वोट परीक्षा में विशेष नंबर से पास होने का विश्वास जताया। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जुटान में शामिल तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ 24 में हार से सीख लेकर 2027 में हैट्रिक लगाकर नई लकीर खींचने का प्रण लिया। लेकिन सवाल है कि 24 की हार को 27 तक जीत में कैसे तब्दील करेगी बीजेपी? अगले 3 साल तक बीजेपी किस स्ट्रेटजी पर काम करेगी? योगी के प्लान का अखिलेश कैसे काउंटर करने वाले हैं? राजनीतिक रणनीति की धुरी पर घूमते भविष्य के इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 3 प्रस्तावों के जरिए चर्चा हुई। मसलन पहला धन्यवाद प्रस्ताव था, दूसरा आर्थिक प्रस्ताव जिसमें विकास कार्यों की चर्चा हुई और तीसरा था सोशल मीडिया से जुड़ा प्रस्ताव। योगी आदित्यनाथ जब 24 में हार का जिक्र कर रहे थे तब उन्होंने 27 की फिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर सेंसिटिव मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं, लेकिन क्या कारण था कि जो खड्यंत्र हो रहे थे, जिस खड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस खड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए, क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं। 3 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होने के दौरान यह साफ हो गया कि अगले चुनाव से पहले बीजेपी फिर से हिंदुत्व पर फोकस करेगी, दलितों पर विशेष नजर रखेगी, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी, सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक साथ प्रहार करेगी। यादव वोटों को जोड़ने के लिए बीजेपी अगले 3 सालों तक प्लान मथुरा और वृंदावन पर काम करने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाएगी तो वहीं दलित वोटों को अपनी ओर फिर से टर्न करने के लिए बुद्ध परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर को बीजेपी ने एजेंडे में शामिल किया है। अपनों के बीच खड़े योगी जब बोल रहे थे तब कुछ यूं इसका जिक्र कर रहे थे। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के बाहक उन महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? वो लगातार अपमानित करते थे, ये तो संविधान की अवहेलना करते थे, इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेंध लगाने का काम किया था। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। 14, 17, 19, 22 कार्य समिति की बैठक में बार बार कार्यकर्ताओं का जिक्र हो रहा था। कार्यकर्ताओं की फिक्र करते हुए उनकी एकजुटता की प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है। इसकी एक वजह यह है कि बार बार तमाम नेता हार की वजहों की व्याख्या करते हुए कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कर रहे थे। बैठक में शामिल होने पहुंचे नेताओं ने कुछ यूं ही बात की थी। आम जनता के लिए जो सरकार की योजनाएं चल रही है बहुत अच्छा है, इसको कहीं ना कहीं सरकार जो अधिकारी बैठे हैं वो धरातल पर ले जाने में नाकाम हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हैं,
अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये योजनाएं को सही लाभार्थी को नहीं मिल रहा है तो अधिकारी उस पर हम लोग को बेइज्जत करने का काम करते हैं। ये बातें हम लोग निचले स्तर से जो हमारा बूथ का है पन्ना प्रमुख है और हमारा शक्ति की यहाँ से शुरू होती है, हम लोग तक आती, हम लोग से शुरू होकर ऊपर तक बताई जाती है। 2027 में क्या लगता है ऐसी स्थिति रही तो? अगर यही स्थिति रही तो फिर यही रिजल्ट है जो आया है, इससे खराब ही हो सकता है। उम्मीद के विपरीत हार को लेकर जब यूपी बीजेपी में पड़ताल हुई तो उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी और नाराजगी का जिक्र हुआ। तमाम समिति की रिपोर्ट में भी कमोबेश वही बातें कही गईं, जो प्रयागराज के मंडल प्रभारी ने कहा। इससे पहले बीजेपी के कई विधायकों ने भी अधिकारियों पर सवाल उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं, नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि यूपी बीजेपी की कार्य समिति में जब बैठक बुलाई गई तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे। उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष जब शुरू में बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रति संगठन और सरकार की वचनबद्धता दोहराई। कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम अपने कार्यकर्ता के किसी भी सम्मान पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देश के सबसे बड़े सूबे में 3 बरस बाद सत्ता संग्राम होना है, मगर उससे पहले ही रणनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में जुटी है तो अखिलेश यादव अपनी सत्यापित पीडीएफ फॉर्मूले के आसरे 27 में सत्ता की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलाने वाली है। पीडीए ही बीजेपी के अंदर और बाहर भगदड़ का कारण बन रहा है। भाजपाई खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की नहीं है, बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारने की है। हालांकि अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में बीजेपी का फॉर्मूला भी तैयार है। दलितों और पिछड़ों को अपनी ओर गोलबंद करने के लिए बीजेपी डीपीए प्लान पर भी काम कर रही है। दलित, पिछड़ा और अगड़ा को साथ कर 27 में भी सत्ता में लौटने का रास्ता तैयार कर रही। बीजेपी के नेता कांग्रेस के बहाने अखिलेश पर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। बीजेपी के नेता जब यूपी के 2 लड़कों पर शाब्दिक नश्तर चला रहे थे तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता 24 घंटे पहले आए उपचुनाव के नतीजों को याद दिला रहे थे। 7 राज्यों की 13 सीटों पर इंडी गठबंधन को मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता पहले यूपी के उपचुनाव और फिर 27 के वोट युद्ध में जीतने का दावा दोहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वहां भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होगी। पूरा देश बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस नहीं आने वाली। यही कारण है कि इस प्रकार की आपात बैठकें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाई जा रही है। इंडी गठबंधन के नेता पीडीए को वोट की सीढ़ी बनाकर सत्ता की अट्टालिका तक पहुँचने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ विपक्ष की जातीय राजनीति को ध्वस्त करने के लिए बार बार अपराध मुक्त उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। जाहिर है कि बीजेपी हर कोण को साध कर 2027 के लिए किला तैयार कर रही है। ये यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक उसी का हिस्सा है
जिसमें अगले 3 बरस की रणनीति का खाका खींच दिया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता नया विश्वास और नई आस लेकर लौटे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी भी रेडी हैं।